9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह के बाद भारत लौटे। स्वदेश लौटने पर बंबई के लोगों ने व्यवसायी जहांगीर पेटिट के आलिशान भवन में भव्य स्वागत समारोह में बापू का स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में इतर संवैधानिक आंदोलन का नेतृत्व करने और कानूनों की अवहेलना के बावजूद गांधी जी को भारत में ब्रिटिश सरकार से भी स्वागत मिला। इसका कारण था कि जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने संघर्ष किया वो जितना राजनीतिक था उतना ही मानवीय भी था। गांधी जी का सम्मान करने में ब्रिटिश सरकार भी भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो गई। उन्हें 1915 की ब्रिटेन नरेश जन्मदिन सम्मान सूची में कैसरे हिंद गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए समुचित समय लिया। अपने राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में गांधी ने एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में भारतीय स्थितियों को समझा और एक वर्ष के लिए जनता के प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। एक वर्ष की इस अवधि में गांधी जी ने स्वयं को व्यक्तिगत और सामाजिक सुधारों तक सीमित रखा। उनका ये संयम जहां आंशिक रूप से स्वयं पर लागू मौन के कारण था, वहीं आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि वे अभी तक भारत की स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। एक वर्ष पूरा होने के बाद गांधी जी ने अपने आप को पूरी तरह देश की आजादी के लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया। आज हम कृषक दीनबंधु सर छोटू राम को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 9 जनवरी 1945 को हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश भारत काल में किसानों की पीड़ा और यातना को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। छोटू राम उस क्षेत्र के एक ऋणग्रस्त परिवार से थे जो अब हरियाणा में पड़ता है। ये क्षेत्र अक्सर सूखे और बाढ़ से त्रस्त रहता, जिससे किसानों को विवश होकर उधार देने वालों पर निर्भर रहना पड़ता था। सर छज्जू राम के संरक्षण में छोटू राम ने आगरा से कानून में डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया। 1916 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 तक रोहतक जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रहे। 1923 में उन्होंने फजल हुसैन और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। इस पार्टी ने 1936 में पंजाब में आम चुनाव जीता तथा कांग्रेस और अकाली दल के साथ गठबंधन सरकार बनाई। छोटू राम राजस्व मंत्री बनाए गए। विभाजन से पहले पंजाब विधान परिषद के मंत्री के रूप में उनकी पहली प्रमुख उपलब्धि थी पंजाब भू राजस्व संशोधन अधिनियम 1929 पारित होना, जो आज तक ऐतिहासिक सामाजिक विधान बना हुआ है। पंजाब लेखा विनियमन अधिनियम 1930 से लेकर अनेक उपायों के जरिए महाजन और साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण का अंत हुआ। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1939 में बनाया गया, जिसके तहत अधिसूचित क्षेत्रों में बाजार समितियों के गठन का प्रावधान था। इनसे किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाने में मदद मिली। होल्डिंग एकीकरण अधिनियम 1936 पारित होने के बाद भूमि होल्डिंग का एकीकरण किया गया। इस अधिनियम को 1945 में संशोधित किया गया। छोटू राम ने न केवल इन कानूनों को पारित करवाया बल्कि इन्हें लागू किया जाना भी सुनिश्चित किया। कृषि के उत्थान में असाधारण योगदान के लिए किसानों ने छोटू राम को दीन बंधु और रहबर ए आजम की उपाधि से नवाजा। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें 1937 में सर की उपाधि प्रदान की। इस राष्ट्रवादी और किसान हितैषी महान नेता को हमारा नमन।